एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीड्स कुकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चीज़ पनीर डिनर रोल बनाना बता रही हूँ, जो बहुत ही आसानी से घर पे बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, 2 चम्मच मेल्टेड बटर, 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच शक्कर, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच ईस्ट। अब हम इन सब और हमने लिया है साथ में गुनगुना पानी। अब हम इसको मिक्स करते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक, शक्कर, मिल्क पाउडर, ईस्ट और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पहले अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डालेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। पानी हमको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। डालते हैं हम बटर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बटर के साथ। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके ऊपर हम इसको हम पहले अच्छे से इसको ऐसे करके अच्छे से आप रख दीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर और लगा लीजिए और इसको अब हम कवर करके रख देंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट है जिससे हम वो करते हैं कवर, वो है तो आप उससे कर दीजिए, नहीं तो प्लेट से भी इसको किसी गर्म जगह पे रख दीजिए और 2 घंटे तक ये राइस हो जाएगा। हमारा मैदा राइस होता है जब तक हम इसकी स्टफिंग बनाते हैं, उसके लिए हमने एक छोटा सा चम्मच ऑयल ले लिया है। इसको हम गर्म होने देंगे। गरम हो चुका है। अब हमने इसमें प्याज 1 ले लिया है, इसको स्लाइस कर लिया है, वो डाल देंगे। और इसको हम थोड़ा सा सोते करेंगे। प्याज हमारा थोड़ा सा सोते हो चुका है। अब हमने एक छोटा कैप्सिकम लिया, इसको भी हमने लंबा और पतला काट लिया है और एक छोटा सा हमने कैरेट लिया, ऑरेंज वाली गाजर, इसको भी हमने लंबा और पतला काट लिया है। अब इन सबको हम थोड़ा सा देर 5 मिनट सोते करेंगे। तो हमको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा फ्राई करना है। देखिए सब्जियाँ हमारी सोते हो चुकी है। अब इसमें हमने पनीर लिया है 2 ग्राम, उसको भी हमने पतला काट लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हम इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाल रहे हैं। अब इसको भी हम अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे नमक और चिली फ्लेक्स को। ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप डाल रहे हैं, सॉस डाल रहे हैं टोमेटो। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सॉस सब मिक्स हो चुका है। अब इसको हम 2 मिनट तक गैस पर रखेंगे, हाई फ्लेम पर 2 मिनट रखेंगे ताकि ये जो भी इसमें पानी है, मॉइस्चर है, वो पूरा निकल जाए और ड्राई हो जाए और फिर हम गैस को बंद कर देंगे। चाहे तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर डाला है
और ये हमारे अब स्टफिंग तैयार हो चुकी है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसको अब हम ठंडा होने देंगे। देखिए ये हमारा मैदा राइज हो चुका है। अब इसको हम पंच मार देंगे। अब इस पे हम थोड़ा सा मैदा को डस्ट कर लेंगे और इसको एक बार अच्छे से कर लेंगे। देखिए अच्छे से हो चुका है। अब इसको हम काट लेंगे। ये हमने इसके इक्वल इक्वल कर लिया। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। देखिए ऐसे इसको ऐसे से करके हम इसके पेड़े बना के रखते जाएंगे। सारे हम ऐसे बना लेंगे। सारे हम ऐसे बना के रखते जाते हैं। सारे हमने बना लिए हैं गोले इसके पेड़े। अब इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे पेड़े भी थोड़े से और राइज हो गए हैं। अब पहले हम इस पे मैदे को डस्ट करेंगे और इस पे हम ये रख देंगे और इसको अब हम बेलेंगे। हमको थोड़ा सा लंबा बेलना है और पतला। अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। तो इसके ऊपर हम चीज डालेंगे और इसको अब हम इसे बंद करेंगे और यहां से फोल्ड कर देंगे और इधर से भी हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसको अब हम रोल बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा रोल बन चुका है। इसी तरह से हम सारे रोल बना लेंगे। ये रोल हमारे सारे हो चुके हैं। अब हम इसको जिसमें भी हमको बेक करना है उसमें अब हम ग्रीस कर लेंगे बटर लगाकर अच्छे से। पूरी ट्रे में अच्छे से इसको बटर लगा लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके सारे रोल को रख देंगे। ऊपर हम फिर से बटर लगा देंगे अच्छे से सब जगह। बटर लग चुका है। अब इसको ओवन में हम 200 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए रख देंगे बेक होने के लिए। हमने प्री हीट कर लिया था। अब इसमें हम ये रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। ये हमारे डिनर रोल बनके तैयार हो गए हैं। देखिए एकदम अच्छे से हो गए हैं। इसके ऊपर हम फिर से बटर लगा देंगे ताकि इस पे शाइन आ जाए अच्छे से। ये
कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए ये बन चुके हैं। ये हमारे चीज़ पनीर डिनर रोल बनके तैयार हो गए हैं। अब आप इसको खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको इसी तरह नई नई रेसिपी सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।